हेलो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन सभी 5 डिजिट्स का यूज करके ऐसे कितनी 5 डिजिट की प्राइम नंबर्स बनाई जा सकती हैं जिनमें यूज की जाने वाली ये 5 डिजिट्स रिपीट ना करें। क्वेश्चन में 5 डिजिट के प्राइम नंबर्स बनाने को कहा जा रहा है जिनमें हमें सभी 5 डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 का यूज करना है। इसके लिए हमें इन नंबर्स को इन पोजीशंस पर प्लेस करना है क्योंकि हमें ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जो प्राइम हों। यहाँ पर जितने भी प्राइम नंबर्स बनने की पॉसिबिलिटी है उनमें ये 5 डिजिट्स तो ज़रूर आएंगी, लेकिन क्वेश्चन में दी गई इन डिजिट्स पर अगर ध्यान दें और इनको अगर आपस में ऐड करें तब इनके सम का रिजल्ट 15 आ रहा है। जो कि 3 से डिविजिबल हैं, इसलिए इन सभी डिजिट्स का यूज करके यहाँ पर चाहे जो भी नंबर बनाए हैं बनने वाले सभी नंबर्स 3 से डिविजिबल होंगे। दैट मीन्स यहाँ पर बनने वाले सभी नंबर्स में कम से कम 3 फैक्टर्स ज़रूर मिलेंगे। एक वो नंबर इटसेल्फ हो जाएगा, दूसरा 1 एंड तीसरा 3। इसके लिए हम जानते हैं किसी नंबर के प्राइम होने के लिए 3 नहीं केवल 2 फैक्टर्स होना चाहिए, ये को नंबर इटसेल्फ एंड 1। इसलिए अब हम कह सकते हैं इन बनने वाले सभी 5 डिजिट के नंबर्स में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बनने वाले सभी नंबर्स में कम से कम 3 फैक्टर्स ज़रूर आ रहे हैं, इसलिए आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।